हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन चैनल चोटिया बायोलॉजी। ले आया हूं आज आपके लिए पार्ट 19, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों क्या यूरिन फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आज हम करने वाले हैं द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो बच्चों, बिल्कुल भी पेन और पेंसिल लेके बैठ जाओ, हिल मत जाना बिल्कुल भी नेक भी, क्योंकि बच्चों आज करने वाले हैं हम बहुत बड़ा धमाल। और आज मैं बताऊंगा आपको यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ी देर के लिए भी भागना नहीं, ना इधर ना इधर, कंसिस्टेंसी से एक जगह बैठे रहो और देखो आपका आज टॉपिक क्लियर होता नहीं होता। बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है? तो देखो सुनो, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपके यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए एज अ नेफ्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके? नेफ्रॉन्स, बिकॉज हमें पता है नेफ्रॉन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बच्चों? आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन्स आपकी, और वही आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? यूरिन को बनाने के लिए। तो किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू, ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू बच्चों कितने पार्ट्स में? डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। बच्चों तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको, ठीक है? फर्स्ट वन है हमारा फिल्ट्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, देन फिर क्या होगा बच्चों हमारा? कलेक्शन। तो बच्चों हमारे तीन पार्ट में हमारा कंप्लीट जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है बच्चों खत्म हो जाता है ना। तो पहले हम लोग करेंगे फिल्ट्रेशन, देन हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं? कलेक्शन, ठीक है? अब किस तरीके से जो आपका प्रोसेस वर्क करेगा, लेट्स सी। तो बच्चों मैं आपको हल्का सा यहां पर पहले एक एज अ डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। तो बच्चों हमें पता है कि हमने कुछ किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था। ये बच्चों मैंने बना दिया आपकी रिनल वेन, देन ये रिनल वेन बन गई बच्चों आपकी, हाँ थोड़ा सा सही बन रहा है बट ऐसे मत बोलना सर बहुत छोटा बनाया है बच्चों, क्योंकि जूम करना तो कुछ और है ना मुझे तो देखो रिनल वेन ले ली हमने, क्या बात, मजा आ गया देख के डायग्राम को। तो अरे वाह, ड्राइंग ठीक है मेरी थोड़ी सी। ये बच्चों बन गया हमारा, आहा क्या बात। और ये बच्चों मैंने इसी का दूसरा पार्ट बना दिया, इसके ऊपर तो एड्रेनल ग्लैंड है आपकी है, ठीक है? देन ये कॉर्टेक्स लेयर है बच्चों आपकी, यहाँ पर आपके पिरामिड्स बनाए थे हमने, ध्यान है आप लोगों को, है ना? अब बच्चों देखो ध्यान से, तो ये बच्चों ये जो पोर्शन था आपका बच्चों क्या था आपका? ये वाला पोर्शन क्या था आपका? एक तो आपकी एओर्टा थी, ठीक है? एक आपकी सुपेरियर वेना कावा थी, सुपेरियर वेना कावा, वेना कावा। दूसरी बच्चों क्या थी आपकी? एओर्टा। तो बच्चों एओर्टा से ब्लड आ रहा था, एओर्टा से ब्लड क्या हो रहा था? आ रहा था, ठीक है? एओर्टा से ब्लड आ रहा था और सुपेरियर वेना से ब्लड जा रहा था, है ना? ये मैंने बना दिया नेफ्रॉन्स एज अ फॉर्म ऑफ मिलियंस, नेफ्रॉन्स, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखना आप लोग, है ना, कि किस तरीके से आज हम आगे यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों बहुत से बच्चों के मन में आता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, ऐसे वर्ड भी यूज कर देते हैं। बच्चों फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन क्यों? बेटा यूरिन का तो फिल्ट्रेशन हो ही रहा है ना, आप बोलोगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन को ही बोलते हैं हम लोग यूरिन का फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चों ब्लड का फिल्टर होगा तो यूरिन बनेगा आपका, है ना? तो आप देखो इसको जूम करके बाहर निकालता हूं, जूम करके हम लोग नेफ्रॉन्स को, एक नेफ्रॉन को मैं जूम करके निकालता हूं, देन देखेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन ही वो जगह है जहां पर आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो देखते हैं नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है जिसके अंदर आपका प्रोसेसर ये होता है, यानी आपके तीनों टर्म फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और कलेक्शन कैसे कंप्लीट हो पाती है आपकी। तो हैव सीन, देखते हैं चलो।
तो आपका देखो मैं ऐसा बना देता हूँ यहाँ पर, तो बच्चों मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, सीधा कर दे रहा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे, ये कहोगे क्या मास्टर है टेढ़ा टेढ़ा डायग्राम बना दिया है इसने, तो गालियाँ दोगे मुझे बाद में फिर, है ना। वैसे गालियाँ तो नहीं दोगे, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे गालियाँ तो नहीं देंगे क्या, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी सोचना चाहिए कि ऐसे काम भी ना करूँ मैं कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए बच्चों, ठीक है। तो नेफ्रॉन बस बनने वाला हमारा, और ये नेफ्रॉन ये लग रहा खानदानी बीमारी है इसकी, बार बार टेढ़ा हो जाता है, फिर से टेढ़ा हो गया। ये बच्चों कंप्लीट होने वाला हमारा, ओहो तो थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, बट ठीक है काम चल जाएगा, है ना। यहाँ पर बच्चों होती है आपकी, एफरेंट आर्टरी होल, इफरेंट आर्टरी होल, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों देखो देखो होता कैसे है, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले जो ब्लड होगा आपका, जो भी आपका ब्लड है आपके हार्ट से जो पंप होता है एओर्टा के थ्रू, वो आपकी बॉडी में जाता है बच्चों, ध्यान है आपको, लास्ट लेक्चर से अगर ध्यान हो तो हार्ट से जो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था बच्चों आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एओर्टा के थ्रू पंप होकर बच्चों कहाँ गया था, बॉडी सेल के लिए गया था। और बॉडी सेल में किसके लिए जाएगा बच्चों, आपकी एओर्टा जो होता है वो सीधा आएगा किसमें, रीनल आर्टरी के लिए, किसके लिए आएगा, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी अंदर लेके जाएगी और कहाँ पहुंचेगी, पिरामिड, पिरामिड से कहाँ पहुंचेगी, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से कहाँ पहुंचेगी बच्चों, यहां से एंटर करेगा, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टरियोल, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सॉरी इफरेंट आर्टरियोल बोलेंगे हम लोग इसको, क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आपका सीधे बच्चों ध्यान से समझना, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आपका सीधे बच्चों कहां पहुंचेगा, सीधे होता हुआ आपका आपका पहुंचेगा जिस जगह पे, उस प्लेस को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, जीएफआर, या फिर एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मेजर हो रहा है बच्चों, इसको बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल, क्या बोलेंगे बच्चों, बोमेंस, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल को अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो बच्चों यहां पर आपका एज ए इफरेंट आर्टिकल जो है आपकी, जो कि आगे चल के एफरेंट आर्टिकल में कन्वर्ट हो रही है, एफरेंट, एफरेंट आर्टिकल में कन्वर्ट हो रही है बच्चों आपकी, ठीक है। तो यहां से ब्लड आपका देखो फिर से बता रहा हूं मैं, आयोटा से होता हुआ आर्टरी, रिनल आर्टरी से होता हुआ पिरामिड, से होता हुआ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से होता हुआ इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल से पहुंचेगा बच्चों इस जगह पे जहां पर आपका ब्लड जो होगा घूमेगा, और इस जगह को बच्चों हम लोग बोलेंगे जीएफआर, क्या बोलेंगे, जीएफआर, ग्लोमेरुलस, ग्लो मेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है बच्चों, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा जो आपके तीन फेज हैं जिसमें आपका पहला फेज है बच्चों फिल्ट्रेशन का, वो यहां तक काम करता है, पहला फेज कौन सा बच्चों, फिल्ट्रेशन वाला, देन यहां से लेके यहां तक का फेज बच्चों क्या करता है, सेकंड फेज, रीअब्जॉर्प्शन,
और लास्ट वाला फेज बच्चों क्या होता है आपका कलेक्शन। ठीक है, अब इन तीनों फेज में बच्चों क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे, हैव सीन, देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले ब्लड आपके इफरेंट आर्टिकल से जब इस जगह पे घूमता है आपका, तो यहाँ पर बच्चों बहुत माइन्यूट से बोमेस कैप्सूल में छोटे छोटे से पोर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, होल होते हैं, जिनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा। क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा। तो बच्चों फेनिस्ट्रा एक छलनी की तरह, जिस तरीके छलनी से चाय छन जाती है ना आपकी, इसी तरीके से आपका ब्लड क्या होता है आपका फेनिस्ट्रा से छनता है, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल तो परमिएबल है नेचर, जिसके से ब्लड बच्चों क्या होता है आपका छनता है, बोमेंस कैप्सूल से क्या हो गया आपका ब्लड बोमेंस कैप्सूल में छन के आता है ना। तो यहां से ब्लड के आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इन सबको छोड़कर आपका आपका जो ब्लड प्लाज्मा है उसका ओवरऑल मटेरियल क्या जाता है बच्चों, फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट जो अमोनिया आपकी, ठीक है, अमोनिया आपकी या फिर अदर वेस्ट प्रोडक्ट तो रिलीज होते ही होते हैं, अमोनिया आ गई आपकी, प्लस उसके साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी फिल्टर हो जाते हैं जो कि आपके हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया बच्चों, ये वो आयन है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और वो आयन भी हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रिएट हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं बाहर, तो उनको बॉडी कोशिश करती है कि ये बाहर ना जाए, जिससे कि अगर ये निकल गए तो हमारी जो बॉडी का मेंटेनेंस है वो बच्चों क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बॉडी, इसलिए आपके नेफ्रॉन्स ये कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, जिससे कि ये बाहर बॉडी से ना निकले। तब इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है, और आपको पता है बच्चों फिल्ट्रेशन में देखो क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर जो होता है यहाँ पर प्रेशर कम होता है, यहाँ प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि एंट्री करने का स्पेस देखो ज़्यादा है और एग्जिट करने का स्पेस क्या है बच्चों, कम है। अगर आप देखो देखो गुफाओं गुफाओं में गए हो, जैसे माता रानी की गुफाएं होती हैं कुछ, तो बच्चों जैसे कि आप लोग एंट्री कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो, एंट्री कर रहे होते हो, तो आप लोग क्या करते हो बच्चों कि जैसे आप लोग शुरू में आपने देखा गुफा बड़ी होती है तो बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, बट एक टाइम बाद क्या होता है गुफा में आने लगे जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसका एग्जिट जो होता है बच्चों बहुत छोटा होता है, तो उसमें एंट्री ज्यादा है, लोग एंट्री करते आ रहे करते आ रहे, बट इतने एग्जिट में बच्चे लोग निकल नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगता है वहां पे जाम सा लग जाता है, और लोग कहेगा बहुत ज्यादा रुक जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एकदम भीड़ भाड़ सी, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना। तो सेम यहाँ पे भी यही होता है, एंट्रिंग ज्यादा है यहाँ पे, एग्जिटिंग कम है, तो ब्लड आपका यहीं पर रुकता है, प्रेशर पड़ता है उसकी वॉल पर, जो ब्लड वेसल्स की वॉल उन पर क्या पड़ता है बच्चों, प्रेशर पड़ता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप कभी भी कभी नहीं गाड़ी वाड़ी को धोते होगे, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो पाइप आपका मोटर वाला होता है, अगर आप उसको हल्का सा दबा दो, प्रेस कर दो, तो पानी का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है, दूर तक पानी जाता है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एरिया बच्चों क्या कर दिया, कम कर दिया है, और प्रेशर तो सेम लग रहा था, अब एरिया कम करोगे, क्योंकि हमें पता है एरिया विच आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आपका जो एरिया होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो एरिया कम होना चाहिए, और एरिया कम करोगे तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा आपका, ये बात तो हमने फिजिक्स में ही पढ़ी है। ठीक है, तो हमें पता है आप लोग एरिया कम करते हो पाइप का तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो वही हो रहा है, देखो एरिया यहाँ पे ज्यादा यहाँ कम है, एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा वॉल्स पर, तो वो फिल्ट्रेशन ज्यादा करेंगी, और फिल्ट्रेशन ज्यादा करेंगी तो आपका टोटल ओवरऑल मटेरियल फिल्टर के कहाँ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। अब बोमेंस कैप्सूल में अगर आएगा, बोमेंस कैप्सूल में अगर आएगा तो कुछ ऐसी चीजें भी आ जाएंगी जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा नेसेसरी हमारी बॉडी के लिए, जिनका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये चीजें जैसे हमारी बॉडी का सोडियम पोटेशियम लेवल बच्चों अगर ये बाहर निकल गया तो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों डिसबैलेंस हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो उससे क्या बच्चों, जिस तरीके से आपने देखा होगा नवरात्रि के टाइम पे, जैसे नौ दुर्गे जब चल रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स पे लोग कहते हैं कि माता आ गई, या फिर ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने लग जाते हैं तो लोगों को लगता है कि माता आ गई है या फिर क्या हो गया है, बट रियलिटी देखो क्या होती है, जिस टाइम पे आपकी फीमेल नौ दिन तक जब फास्ट रहती हैं, तो 9 दिन तक फास्ट रहते टाइम पे क्या होता है कि 9 डेज कंटिन्यू फास्ट रहने की वजह से उनकी बॉडी को बच्चों प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, और प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलेंगे तब ऐसी कंडीशन में उनकी बॉडी के सोडियम पोटेशियम लेवल बच्चों क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बच्चों थोड़ा सा ऊपर का हो जाएगा आपके से, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, कुछ जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपके ब्रेन में पाए जाते हैं बच्चों, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं बच्चों, वो क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस, और वो डिसबैलेंस होंगे तो वो आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और वो बच्चों तभी होता है जब आपकी नवरात्रि के टाइम पे जब लास्ट वाला डे होता है, तो लास्ट वाले डे दिन क्या होता है, हल्ला हल्ला बहुत हो रहा होता है, तो सामने वाला पर्सन मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बच्चों, जो फीमेल होती हैं वो अपने आप को माता के अंदर, मतलब अपने आप को फील करने ले जाती हैं कि हाँ मैं ही माता हूँ, क्यों, क्योंकि उनका ऑस्मो रेगुलेशन पहले से 9 दिन का बिगड़ा हुआ होता है,
तो ऐसे टाइम पे उनकी जो चीजें होती हैं वो चरम सीमा पे चली जाती हैं और फीमेल अपने आप को एज अ माता समझने लग जाती हैं। अब ऐसी कंडीशन में कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि उनको और बढ़ावा देते हैं, बट ऐसे में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोशिश करो कि उनको एक ऐसी जगह पे लेके जाओ जहां पर वो थोड़ा रिलैक्स फील करें, ठीक है। प्लस उनको एज अ ड्रिप के थ्रू आप एज अ ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ाओ, उसमें सोडियम पोटेशियम के इंजेक्शन डालो, जिससे कि उनका जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो चुके हैं वो बैलेंस हो जाए बच्चों, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो, आप पढ़ रहे हो इस चीज़ को तो आप अगर जो भी जहाँ पर भी अंधविश्वास है या फिर बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर एज इट इज़ बोल सकते हो कि अगर वो लोग इस चीज़ को अनदेखा ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि माता आ गई या भूत प्रेत आ गए वो आपकी बॉडी के डिसबैलेंस की वजह से भी हो जाती हैं चीज़ें। तो इस बात का ही विशेष ध्यान रखें, ठीक है। मैं इस चीज़ से मना नहीं करूँगा कि ये नेगेटिव स्पिरिट वगैरह या फिर ये चीज़ें नहीं होती हैं, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, कि ये नहीं होती हैं, बट हमें जो हमारा पॉजिटिव वे, हमारी जो साइंस कहती है, हमें उसको लेके चलना बच्चों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो टॉपिक पे आते हैं, तो बच्चों आपका ये जो चीज़ें हैं आपकी जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वो बच्चों निकल के जा रही हैं आपकी यूरिन में, निकल के जा रही हैं, जानी नहीं चाहिए। तब इस कंडीशन में बच्चों देखो क्या होता है, तब इस कंडीशन में आपका स्टार्ट होता है फिल्ट्रेशन, तो हो गया। अब स्टार्ट होगा क्या बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन। क्या स्टार्ट होगा? रीअब्जॉर्प्शन। अब उसके लिए आपका देखो सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा बच्चों, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पीसीटी। क्या बोलेंगे? पीसीटी। पीसीटी बोलते हैं बच्चों, पीसीटी की फुल फॉर्म मैं यहां लिख दे रहा हूं, पीसीटी को बच्चों बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बच्चों क्या होता है आपका, तो सुनो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या होता है कि आप क्या देखोगे कि आपकी जो पीसीटी है आपकी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं उसको, प्रॉक्सिमल का बच्चों मतलब होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। पीसीटी का मतलब क्या आपका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल का मतलब है नियर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कुंडली जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब है, ट्यूब्यूल मतलब क्या बच्चों, ट्यूब है। तो पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब नियर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। आपका जितना आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा बच्चों पीसीटी से हो जाएगा। अब होगा कैसे कि जो आपकी एफरेंट आर्टरी है बच्चों, यही आपकी घूमकर आपकी ओवरऑल बॉडी में घूम रही होती है इस तरीके से, देखो इस तरीके से, यानी कि ओवरऑल नेफ्रॉन के क्या लगा रही होती है, परिक्रमा चक्कर से, जिससे कि क्या हो सके, आसानी से रीअब्जॉर्प्शन हो सके बच्चों। बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्या हो सके, रीअब्जॉर्प्शन। तो ये इस तरीके से अगर परिक्रमा से लगाई हुई होती है ना, पीसीटी में हो गया। उसके बाद बच्चों आता है लूप ऑफ हेनले, क्या आता है, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप, ठीक है, लूप ऑफ हेनलेज या फिर हेनलेज लूप आपका। तो बच्चों लूप ऑफ हेनले क्या होता है आपका, एज अ हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, जहां पर अगर हम लोग रियल में देखें तो बच्चों क्या होता है, यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होता है बच्चों, आपका यहां पर क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होता है बच्चों आपका। एग्जैक्ट जगह है ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होने की। अब कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कहेंगे कि सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी से वाटर की अमाउंट ज्यादा यूरिन में पास हो गई है तो उसको रोकना, अगर कम में पास हो रही है तो उसको उस यूरिन में डालना। यानी कि कोई भी सोडियम पोटेशियम लेवल हुए या न्यूट्रिशनल मटेरियल हुए या फिर वाटर डिमांड हुई, अगर वो ज्यादा अमाउंट में यूरिन से पास हो रहा है तो उसको रोकना, और कम में हो रहा है तो उसमें डाल देना, ठीक है। तो आपका ऑस्मो रेगुलेशन यहीं से मेंटेन होता है बच्चों आपका, कि वाटर लेवल आपके बॉडी में क्या रहे, मेंटेन रहे, है ना। वो बच्चों कैसे होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारी बॉडी में जो सेल है बच्चों उनको बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी रेस्पॉन्सिबल होती है इस चीज के लिए बच्चों। आरबीसी क्या करती है, जैसे उसको लगता है कि आपका यहां पर वाटर का फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गया और इतना पानी यूरिन में बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर इतना पानी यूरिन में बाहर चला गया तो हो सकता है बॉडी में डिहाइड्रेशन क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए आरबीसी भाग जाती है और ब्रेन को जाके बताती है। किसको बताती है, ब्रेन को, कि भाई यहां से यूरिन निकलने वाला पानी, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज्यादा यूरिन में चला गया और वो निकलने वाला, अगर वो गया तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तब ऐसी कंडीशन में बच्चों ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक्शन लेता है सडन बच्चों। ब्रेन बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों सिग्नल देती है किसको, एड्रेनल ग्लैंड को, ये जो आपके ऊपर दे रखी है किडनी के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड से बोलता है कि भाई जो आपका वाटर है जो यूरिन में मिल गया है वो यूरिन के थ्रू जो निकलने वाला है उसको रोको, उसको क्या करो, रोको। तब एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है बच्चों, एक हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम होता है एडीएच। क्या होता है, एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूं, एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन
हार्मोन। तो बच्चों एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी वर्ड आ रहा है, ये क्या करता है, सडन क्या करता है, एक्शन लेता है और ये यूरिन का फ्लो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके से यूरिन ज्यादा पास आउट नहीं होता और प्लस जो रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उस वाटर मॉलिक्यूल्स को वापस से क्या करने के लिए, रीअब्जॉर्ब करने के लिए उसको थोड़ा सा क्या मिल जाता है, टाइम, जिससे कि यूरिन के फ्लो को वो कम कर देगा और जिसकी वजह से आपका जो एज अ जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रहा है उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो आएगा ओवरऑल जो वाटर कंटेंट जो यूरिन के साथ में मिलकर बाहर निकलने वाला था उसको क्या कर रहा है बच्चों, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है और कहीं हद तक हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने से बच जाती है। तो बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन यहीं से होता है। अगर आपका वाटर अमाउंट ज्यादा अगर यहाँ पर है तो वो बच्चों कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में, और ब्लड में जाता है बच्चों तो वो कहाँ जाएगा आपका, वापस से नेफ्रॉन्स में। क्लियर इतना बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन क्लियर हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप क्या देखोगे, डीसीटी क्या होता है आपका, डीसीटी, ठीक है। अब डीसीटी क्या बच्चों, आपकी डीसीटी की फुल फॉर्म में यहां लिख देना बच्चों, आपकी डीसीटी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो बच्चों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स का मतलब है, डिस्टल क्या आपका, आपकी दूर है किससे, वुमेन्स कैप्सूल से। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या बच्चों, कुंडली ऐसा स्ट्रक्चर है। ट्यूबुल मतलब बच्चों क्या आपकी, ट्यूब है। क्लियर है इतना। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बच्चों लास्ट पोर्शन होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन का, जहां पर ओवरऑल रीअब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है, कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चों आपका यहां पर, ठीक है। तो जितना भी रीअब्जॉर्प्शन होना होता है बच्चों आपका यहां पर हो जाता है। तो बच्चों हमारा पहला क्लियर, फिल्ट्रेशन, दूसरा क्लियर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा अब हम लोग आगे किस पर, कलेक्शन पे बच्चों, किस पे आगे, कलेक्शन पे। तो यहां पे आपका जितना भी रीअब्जॉर्प्शन होना होता है बच्चों वो तो कंप्लीट हो जाता है, लास्ट जो आपका बच्चा है बच्चों वो क्या बच्चा आपका, डीसीटी वाला पोर्शन। तो यहाँ पर डीसीटी में क्या होता है आपका, जो ओवरऑल मटेरियल है यानी कि जो रीअब्जॉर्ब हो गया, ब्लड तो पूरा रीअब्जॉर्ब हो गया, उसके साथ में जो अच्छे प्रोडक्ट थे वो भी रीअब्जॉर्ब हो गए ब्लड में वापस, क्या बचा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि प्योर यूरिन। बच्चों यूरिन कहां इकट्ठा हो जाएगा आपका, कलेक्टिंग डक्ट में, क्या बोलेंगे उसको, कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चों कलेक्टिंग डक्ट में पूरा मटेरियल क्या जाता है, इकट्ठा हो जाता है इस पूरी में, ठीक है। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा आपका, है ना। और कलेक्टिंग डक्ट का जो वाला, ये वाला जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है बच्चों आपको दिखाई दे रही है, ये ओपनिंग कंटिन्यू ओपन होती है किसमें, यूरेटर में। किसमें ओपन होती है बच्चों, यूरेटर में। और यूरेटर से होता हुआ आपका यूरिन कहाँ आता है, यूरिथ्रा में, क्या आता है बच्चों, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में बच्चों। और यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, और जैसे आपका पूरा पाउच लाइक स्ट्रक्चर पूरा फिल हो जाता है देन आप क्या कर देते हो, पास, क्या जाता है, पूरा पास हो जाता है बच्चों, है ना। अच्छा यूरिन तो गया, ब्लड कहाँ गया बच्चों, ब्लड पूरे में घूम घाम के वापस आता है, रीनल आर्टरी से आया था, रीनल वेन से वापस जाएगा, और रीनल वेन से होता हुआ सुपीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा कहाँ ले जाएगी, अपने 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 दिल के पास यानी कि बाय हार्ट, हार्ट के पास लेके जाएगी, और हार्ट बच्चों क्या करेगा, उसको रेगुलेट करके ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, या फिर लंग्स के पास ले जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। बात समझे मेरी बात, तो कुछ इस तरीके से आपका रिलेट होगी, ये वर्क करता है। अब देखो कभी कभी मन में सवाल आता है आप लोगों के, क्या बोल रहे होगे कि सर छोटे बच्चे सुसू क्यों कर देते हैं बेड पर, या फिर छोटे बच्चे क्यों कर देते हैं। तो बच्चों देखो इसमें उनकी गलती नहीं है, हाँ गलती नहीं है, रीजन है उसका, देखो रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चों आपका यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ स्फिंक्टर्स एज ए गेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि आपके यूरेथ्रा को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, जिसके से आप यूरिन को होल्ड कर पाते हो बच्चों, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं जो बच्चे छोटे होते हैं यानी कि 2 साल या 3 साल या 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके प्रॉपर स्फिंक्टर्स बच्चों डेवलप नहीं होते, वेल डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो यूरिन को होल्ड कर ही नहीं पाते। तो बच्चों को रोकने के लिए चीज ही नहीं है, तो बच्चा रोकेगा कैसे, ठीक है। तो अगर वो यूरिन अगर रात में सोते टाइम अगर पास कर रहे हैं तो बच्चा उनकी गलती नहीं है, क्यों गलती नहीं है, स्फिंक्टर्स डेवलप ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो स्फिंक्टर डेवलप ना होने की वजह से बच्चे यूरिन पास आउट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू योर एज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है स्फिंक्टर्स बन जाते हैं और धीमे धीमे करके वो होल्ड करना सीख जाता है। तो कृपया करके परेशान ना हो और बच्चों को डांटे नहीं, आज का हमारा मोटो यही था कि बच्चों को डांटे नहीं। चलो आज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बच्चों आज का क्वेश्चन है मेरा कि कौन से वो 3 मेथड हैं जिनके थ्रू आपका प्रॉपर यूरिन का फॉर्मेशन बच्चों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों आप मुझे बताओ कि ऑस्मो रेगुलेशन नेफ्रॉन के किस पार्ट में मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों फिल्ट्रेशन में मोस्ट ऑफ देम चीजें
क्या क्या पास आउट होती हैं। सो बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए और जितना हो सके सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।